अगर आप अपने ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए हो जहाँ पर आप जिस इंसान से प्यार करते हो, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हो, उसी इंसान से आपकी बातचीत बंद हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? कैसे आप फिर से उस इंसान को अपना बना सकते हो? क्या इस सिचुएशन में उस इंसान से बातचीत करनी चाहिए या फिर इस रिलेशनशिप को छोड़कर आपको भी मूव ऑन करना चाहिए? आज के इस वीडियो में यही सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वेल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काई। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिस वजह से आप इस रिलेशनशिप में फिर से एफर्ट्स डाल सकते हो, फिर से पार्टनर से बातचीत शुरू करके पार्टनर को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हो। लेकिन इससे पहले एक ज़रूरी बात आप समझने की कोशिश करो। एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ रीजंस के वजह से आपके और उनके बीच में बातचीत बंद हो गई है। हो सकता है उस वक्त आपने उनको समझाने की कोशिश की थी काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है आपने अलग अलग तरीके से एफर्ट्स डाले हो, लेकिन वो इंसान यानी कि पार्टनर समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब बात करते हैं, 3-4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए या फिर 20 दिन हो गए, आपकी और पार्टनर की बात बिल्कुल बंद है, आपकी और उनकी बात बिल्कुल हुई ही नहीं है। अब क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपको ये सोचने की ज़रूरत है, क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है या फिर नहीं? अटैचमेंट के अलावा और यहाँ पे क्या क्या अच्छी बातें हैं, आपको सबसे पहले ना ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अटैचमेंट में हम गलत इंसान को भी अपना बनाना चाहते हैं। जब हम किसी गलत इंसान से अटैच हो जाते हैं तब हम बस परेशान ही होते रहते हैं। हो सकता है वो इंसान दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट है दुनिया के नज़रों में उस इंसान के लिए, लेकिन आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो इंसान आपके लिए कैसा है। जब पार्टनर से आपकी बातचीत बंद हो जाती है और आप उस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है क्या वो इंसान आपके लिए सही है भी या फिर नहीं। कई बार हम ना बस पुरानी बातों को सोचते हैं कि वो इंसान एक समय पर इतना अच्छा था, हमारी इतनी केयर करता था, लेकिन आपको प्रेजेंट के सिचुएशन को भी समझने की ज़रूरत है। अगर वो इंसान केवल आपको तकलीफ़ दे रहा है, केवल वो इंसान आपको दर्द दे रहा है, अच्छे से बात नहीं करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, इंटेंशनली आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है, आपकी गलती नहीं होने के बाद भी अगर वो आपके ऊपर गुस्सा निकालता है, तो इस सिचुएशन में आपको उस इंसान से दूर ही रहना चाहिए, या तो आपको ब्रेकअप का डिसीजन लेना चाहिए, या फिर वो इंसान जब तक खुद से आकर सॉरी ना कहे, ये जब तक आगे से आकर माफ़ी ना मांगे, तब तक आपको बिल्कुल खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर कहते हैं गलत रिश्ते को बचाने से कई ज़्यादा ज़रूरी है उस रिश्ते को छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है कि नहीं, वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, कुछ गलतियों के वजह से, कुछ सिचुएशन के वजह से, कुछ बातों के वजह से आपके बीच में फ़ाइट हुई थी, अदरवाइज़ ओवरऑल आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से बात बंद हो गई है या फिर आपके ही साइड से कुछ गलतियाँ हुई है जिस वजह से बात बंद हो गई है, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में ज़रूर आपको आगे से एफर्ट्स डालने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम सॉफ्ट एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे खुद को कंट्रोल करके, खुद की वैल्यू को बचा के, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के हम एफर्ट्स रिलेशनशिप में डाल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करने की ज़रूरत है कि जहाँ से भी आपने उनको ब्लॉक करके अगर रखा हो, जहाँ से भी आपने उनको डिलीट कर दिया उनका नंबर, लेकिन आप इस रिलेशनशिप को बचाना भी चाहते हो, तो आप सबसे पहले हर जगह से उनका वेलकम करने के लिए तैयार रहिए, यानी कि हर जगह से उन्हें अनब्लॉक कर दीजिए। हो सके तो सोशल मीडिया पर जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे भी आप उनके टच में थे या आप उन्हें फॉलो करते थे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, वो चीज़ें आप फिर से कीजिए। अगर आपने गुस्से में आकर उन्हें ब्लॉक कर दिया था या गुस्से में आकर आपने उनको अनफॉलो कर दिया था और आप चाहते हो कि फिर से कांटेक्ट बना रहे, तो आपको क्या करना चाहिए कि वो फिर से वही बातें करनी चाहिए जो आप पहले करते थे, जहाँ पे आप उन्हें फॉलो करते थे वहाँ पे फॉलो करना चाहिए, ताकि उन्हें भी ये बात समझ में आए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप भी इस रिश्ते को बचाना चाहते हो। सबसे पहला यही स्टेप है। दूसरी सबसे ज़रूरी बात, अपना दुख बताकर उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो। सैड स्टेटस लगाना
या उनके सामने जाके खुद को परेशान दिखाना ताकि वो आपसे इम्प्रेस हो जाए या आपसे अट्रैक्ट होकर आपके पास आ जाए और आपसे ये पूछे कि आपको क्या हुआ है, ये गलती आपको नहीं करनी है। खुद को स्टेबल और शांत ही रखना है। सैड सॉन्ग लगाते हो या फिर अलग अलग तरीके से उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों के थ्रू कि आप अपने लाइफ में परेशान हो या फिर खुद परेशान होकर उनके सामने जा रहे हो, तो ये आप मत करो, क्योंकि आपके दुख को देखकर वो आपसे और ज़्यादा ही दूर जाएंगे। इवन आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम होगी। तो आपको कभी भी अपने आप को दुखी नहीं बताना चाहिए। आई नो आप अंदर से दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन अगर बाहर भी आप कमज़ोर बन के रहोगे, दुखी बन के रहोगे, तो बात नहीं बनेगी। इवन आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी। तीसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी है। बातचीत कुछ दिन से बंद है, अब आप बातचीत करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 10 दिन कुछ नहीं किया, 5 दिन कुछ नहीं किया, अब आप बस कॉल्स पे कॉल्स कर रहे हो, मैसेज पे मैसेजेस कर रहे हो। नहीं, आप एक बार कॉल कर सकते हो, अगर वो कॉल को रिस्पॉन्स करते हैं ठीक है, नहीं करते हैं खुद को शांत रखो। 10 दिन 5 दिन भी तो आपने खुद को शांत रखा था, तो और खुद को शांत रखो ताकि उन्हें भी महसूस हो कि आप आगे से आ रहे हो और वो भी आगे से आने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि वो आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, वो आपको इग्नोर करते रहेंगे, वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे या वो आपको उतना अटेंशन नहीं देंगे। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी अनब्लॉक करने के बाद या उनके कॉन्टैक्ट में आने के बाद बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आप इतनी ज़्यादा कोशिश करोगे तो। अब बात करते हैं कि फिर कोशिश कैसी करनी चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, सॉफ्ट एफर्ट्स डालो। जैसे आप एक बार कॉल करो, कॉल उन्होंने नहीं उठाया, 2-3 दिन तक कुछ मत करो, 2-3 दिनों के बाद एक मैसेज कर सकते हो या फिर से एक बार कॉल कर सकते हो। अब आप कहोगे इसमें तो हमारी वैल्यू कम हो रही है, इसमें तो हमारी रिस्पेक्ट कम हो रही है। इसमें आपकी वैल्यू रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही है, क्योंकि पहले 7-10 दिन आप उनसे दूर थे, आपने उनको मौका दिया, फिर अब आप आगे से उनके पास जा रहे हो, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन आप बिल्कुल शांत रहकर उनके सामने जा रहे हो। और जब भी आप किसी के सामने शांत रहकर जाते हो, बिल्कुल खुद को कंट्रोल में रखते हो, तो यकीन करो इससे वो इंसान भी आपके बारे में सोचता है। अगर उस इंसान ने रिप्लाई दिया या वो इंसान कॉल पर बात कर रहा है, तो हमें क्या बातें करनी चाहिए? जितनी हो सके नॉर्मल बातें करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि मन में इतनी सारी बातें चल रही है, तो नॉर्मल बातें कैसे करें? हम तो उनसे पूछेंगे कि इतने दिन वो हमारे बिना कैसे रहे, या हम उन्हें बताएंगे कि इतने दिन हम उनके बिना नहीं रह पा रहे थे, या फिर वो थोड़ा भी इग्नोर करते तो हम सॉरी कहने लगते हैं। नहीं, आपको क्या करना है ना, यहाँ पे बिल्कुल शांत रहकर बातचीत करने की कोशिश करनी है। अब आपको ना पहले हेलो हाय, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, ये बातें करनी चाहिए। अगर वो इस पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आपको फिर थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करना चाहिए। अगर वो इस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो फिर से खुद को 4-5 दिनों के लिए उनसे दूर कर लेना चाहिए। यानी कि आप आगे से जा तो रहे हो, लेकिन आप तब ही बात करोगे जब वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, जब वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे। अगर वो अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो फिर से आप 3-4 दिनों के लिए पीछे हट जाओगे। अगर वो रिस्पेक्ट देते हैं, आपसे एटलीस्ट डिस्कस करने के लिए तैयार रहते हैं, तभी आपको बात करनी है। तो बिल्कुल खुद को स्ट्रांग बनाकर उनसे दूरी बनानी है। उन्हें लगना चाहिए कि अगर वो गलत तरीके से बात करेंगे तो आप दूर हो जाओगे। अगर आपको वो अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप भी अच्छे से बात करो। पहले थोड़ी इधर उधर की बातें करने की कोशिश करो कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बातें हो गई तो फिर रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करो। अगर वो ये कहते हैं कि मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना है, मैं दूर रहना चाहता हूँ, ठीक है, उस वक्त रिएक्ट मत करो, ओके बोल के छोड़ दो, 2-3 दिन फिर उनसे दूर रहो। क्या इस 2-3 दिन में वो इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं? क्या वो आगे से आकर बातचीत करते हैं? ये सारी बातें नोटिस करो। अगर वो नहीं आते हैं, फिर आप एक इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। यानी कि आपको इस तरीके से बैलेंस करना है कि वो भी एफर्ट्स डालने के लिए मजबूर हो जाए। और फिर अगर वो एफर्ट्स डाल ही नहीं रहे, वो क्लियरली बता रहे कि मुझे रहना ही नहीं है, और आपने ये सब करके भी देख लिया, तो आपको मूव ऑन के बारे में सोचना होगा, तो आपको ब्रेकअप के बारे में सोचना होगा। लेकिन ये सब करने से आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। ये आपको तभी करना है जब आप एक रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो और वो इंसान भी आपके प्यार के लायक है, तो ये आप इतने एफर्ट्स डालना। अगर वो इंसान बिल्कुल सही नहीं है, तो इतने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है।
मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली कॉल पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए मैसेज कीजिए 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मैं एक एक मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।